हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी ठीक है। एंड सॉरी, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं दिया क्योंकि बारिश का मौसम था और मैं कहीं भी जा नहीं पा रही थी, और डांस वीडियो भी नहीं दिया क्योंकि बारिश का मौसम में कैसे डांस करूँ ना। सो अभी मौसम ठीक हो रहा है, कुछ दिनों के बाद आई थिंक डांस वीडियो भी दूंगी, आप लोग वेट कीजिए। और या ये वीडियो, ये ब्लॉग जो है बेसिकली गर्ल स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि आज का वीडियो में मैं मेकअप करके दिखाऊंगी। बेसिकली लड़कों को तो मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए आई थिंक बॉयज़ आर गोइंग टू स्किप दिस वीडियो, बट प्लीज़ डोंट स्किप, प्लीज़ देखिए, बिना देखिए मत जाइए एंड डू लाइक द वीडियो। एंड या आज मैं मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। मैं मेकअप तो नहीं करती, लेकिन ओकेजन्स में जो मेकअप करती हूँ वो दिखाने वाली हूँ। हैवी मेकअप भी नहीं करती, ऐसे ही नॉर्मल मेकअप करती हूँ। सो अभी मैं मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। अभी मेरा फेस जो है बेयर फेस है, कुछ नहीं लगाया है। अभी मैं टोनर से स्टार्ट करूँगी। सो या मैं ये टोनर लगाती हूँ, ये गुड वाइब्स का टोनर है, आई होप दिख रहा है। या टोनर लगा लिया है। आप लोग क्या टोनर यूज करते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा, जिसका जो पसंद आप लोग का स्किन में जो मैचिंग करता है वो आप लगाएंगे। मेरा स्किन में जो मैचिंग करता है वो मैंने लगाया है। और अभी क्या लगाते हैं? एक्चुअली मुझे मेकअप करना आता ही नहीं इतना ज़्यादा, इसलिए मैं भी कंफ्यूज। या अभी लगाएंगे मॉइस्चराइजर शायद। नहीं, मॉइस्चराइजर। ये क्या? ये प्लम का मॉइस्चराइजर है, ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत ऑयली हो जाता है, और इसलिए ये लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी, इतना सा लगाऊंगी क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, मेरा फेस तो वैसे भी ऑयली हो जाता है। और मैं मेकअप इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन में मेकअप रहता ही नहीं है। जितना भी मेकअप कर लूँ कुछ देर बाद वो चला ही जाता है ऑयली होके, पता नहीं क्यों। ओके, मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, अभी थोड़ा सनस्क्रीन लगाऊंगी। सो मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट का। ये एक बात बोलूँ, ये सनस्क्रीन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा लगाना चाहिए। Apply it all over your face and also neck. Sunscreen भी ज़्यादा नहीं लगा सकती मैं क्योंकि बहुत वो oily हो जाता है मेरा skin. कुछ भी नहीं लगा सकती मेरा skin पे. I don't like this oily skin. काश मेरा skin भी dry होता. I prefer dry skin than oily skin. कि ड्राई स्किन में आई थिंक मेकअप बहुत अच्छे से रहता है। एंड या पिछले वाले ब्लॉग में मैंने एसएमएस में किया था, लेकिन ये वाला फिर से हिंदी में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो फ्रेंड्स है ज़्यादातर हिंदी समझते हैं, वो लोग को एसएमएस समझ में नहीं आता है इसलिए। सो I will make mixed vlogs, not only Hindi but also SMS भी बनाऊंगी कभी कभी। So yeah, हो गया है, sunscreen भी apply कर लिया है all over my face. And अभी क्या लगाता है? Oh yeah, अभी primer लगाएंगे। Where is my primer? Yeah, ये मेरा छोटू सा primer. ये लैक्मे का है, इतना बड़ा भी नहीं है मेरा क्योंकि मैं ज़्यादातर मेकअप नहीं करती हूँ, इसलिए इससे काम चल जाता है मेरा।
फाउंडेशन लगाऊंगी. सो आई यूज दिस फाउंडेशन फ्रॉम दिस वन इज मेड फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन. सो आई अप्लाई दिस. सो नाउ आई अप्लाई दिस ऑल ओवर माय फेस. Also apply some in your neck area, ताकि neck का color जो है face के साथ match करे. मुझे लग रहा है कि boys तो जरूर skip करेंगे आज मेरा video, क्योंकि boys को makeup पसंद नहीं है. Boys don't be sad, क्योंकि next video boy special होगा, I promise. अगर कोई makeup expert है तो please मुझे comment में बताइए कि oily skin के लिए क्या foundation use करना चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारा foundation try किया है but सब मेरा skin में वो रहता ही नहीं है. जैसे मैं मेकअप कभी कभी ही करती हूँ जब कुछ ओकेजन्स होता है, जैसे कि फ्रेशर्स, फेयरवेल एंड क्या बोलूँ, हाँ शादी एंड ऑल. सो या अभी मैंने कम्प्लीटली सब एरिया में लगा लिया है. अभी मैं क्या उसको क्या बोलता था, कंसीलर लगाऊंगी. It's from Fit Me and ये क्या शेड, ये भी लाइट शेड है. सो जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे लगाऊंगी मैं अभी. सो या अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी पहले एंड डार्क स्पॉट्स पे. So now I will blend all this. So please suggest me a song for my next dance video. Hip hop beats bala chahiye. Please guys, acha sa song suggest kijiye. Hope it's looking fine enough. मुझे तो ठीक ही लग रहा है. हो गया. अभी next क्या लगाते हैं? थोड़ा lip balm लगा देती हूँ कि lips dry हो गया. या lip balm में Oriflame का lip balm use करती हूँ, ये वाला. It's very cute. अभी क्या लगाऊँ, क्या थोड़ा लूज पाउडर लगाती हूँ. ये लैक्मे का है बट मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि ये देखिए इसका हालत, इट्स टोटली ब्रोकन एंड आई एम सो ब्रोक, यू नो आई कांट बाय अ न्यू वन. सो या इससे ही काम चलाते हैं अभी के लिए. आईब्रो लगाऊंगी अभी, इस वन. मुझे आईब्रो लगाना नहीं आता अच्छे से और मेरा आईब्रो भी अच्छा नहीं है, ये देखिए. सो आई डोंट डू थ्रेडिंग, दैट्स व्हाई शेप अच्छा नहीं है. या आई मिक्स बोथ दिस कलर्स, ब्राउन एंड ब्लैक. गाइज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, फिर से बोल देती हूँ. ये हो गया एक, मेरा आईब्रो भी टूट गया है आईब्रो ब्रश. पता नहीं कैसे हुआ है.
आईब्रो ब्रश इज टोटली ब्रोकन. इट लुक्स फाइन फॉर मी, तो इट्स फाइन. एंड नाउ आई अप्लाई, या फॉर ब्लश आई डोंट अप्लाई ब्लश बट आई अप्लाई लिपस्टिक ओनली. लिपस्टिक से काम चला लेती हूँ ब्लश. सो या ये लैक्मी का लिपस्टिक है. ये भी पूरा ऐसा हो गया है, स्किन निकल गया है इसका भी. इसको अभी थोड़ा चीक्स पे लगाऊंगी. आई प्रिफर लिपस्टिक देन ब्लश पाउडर. थोड़ा नोज पे भी. आई शेडो लगाती हूँ. सो आई अप्लाई दिस कलर. अंडर आई पे भी थोड़ा लगा लेती हूँ. मुझे आई शेडो डार्कर पसंद नहीं है. अभी ये गोल्डन कलर शिमरी. So now I'll apply on this eye. So now the toughest part. अभी आई शेडो तो लगा लिया बट आई लाइनर जो है क्या करूँ. आई डोंट अप्लाई आई लाइनर क्योंकि इट्स वेरी टफ. ओ या कॉन्टोर भी है. कॉन्टोर भी बहुत टफ है. क्या करूँ, लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ. कॉन्टोर करना भी नहीं आता मुझे, वैसे खरीद के रखा है. क्यूट सा लिटिल कॉन्टोर. या आई विल ट्राई टू अप्लाई बट ये अगर ख़राब लगाया ना मैंने, पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा मेरा. आई विल ट्राई टू अप्लाई इट लिटिल बिट ऑन माय नोज एरिया. सो ये ब्रश है, छोटू सा ब्रश है, अप्लाई करती हूँ. ज़्यादा होने से भी ज़्यादा खराब दिखेगा. सो या आई विल ट्राई. देखिए इसको मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया है, इट्स पूरा न्यू. सो आज फर्स्ट टाइम है, आज फर्स्ट टाइम लगाऊंगी. मैंने वीडियो पे मेकअप वीडियो में देखा था लोग ऐसे कुछ लगाते हैं नोज ब्रिज में. अरे क्या इतना ज्यादा अप्लाई करना भी मुझे मतलब रिस्की लग रहा है क्योंकि इसके वजह से मेरा होल मेकअप खराब हो जाएगा. ओके सो अभी क्या करूँ. मेरे पास ब्रश भी नहीं है, इसको कैसे ब्लेंड करता है भाई. वीडियो देखना पड़ेगा अभी मुझे. सो ये आई शेडो जिससे लगाया था उससे ट्राई करती हूँ, उस ब्रश से ही. लेट्स सी इफ इट वर्क्स. अगर आपके पास ब्रश नहीं हो तो हैंड है. अभी मैं हैंड से ही ब्लेंड करती हूँ इसको क्योंकि एक भी ब्रश काम नहीं कर रहा है मेरा. ओके नाउ आई विल अप्लाई आईलाइनर. या आईलाइनर लगाने से पहले मैं तो भगवान को पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार रब करना पड़ता है आईलाइनर को. मेरे पास दो आईलाइनर से, एक पेंसिल वाला, दिस इज फ्रॉम ओरिफ्लेम, एंड ये दिस
इज फ्रॉम एवॉन. सो ये वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, पेंसिल वाला ये वाला. सो आई प्रिफर दिस वन ओनली, लिक्विड वाला. सो आई अप्लाई. ओके नाउ आई अप्लाई लिपस्टिक. तो मैं लिपस्टिक भी हेवी यूज नहीं करती, लाइक मैं का ये ही यूज करूंगी. सो अभी लिपस्टिक के ऊपर ये ग्लॉसी लिपस्टिक यूज करूंगी, अप्लाई करूंगी थोड़ा सा. ये रेवोल्यूशन का है, इज वेरी नाइस एंड ऑल्सो इट्स सेंट इज वेरी नाइस. It smells like chocolate. इसको अभी मैं थोड़ा सा glossy look के लिए थोड़ा सा apply करूंगी. मेरा makeup complete हो गया and I'm done. Yes, I'm done. So guys, I totally forgot about my mascara. उसको तो लगाया ही नहीं. ऐसे ही मेकअप कंप्लीट बोल लिया, असली चीज तो लगाया ही नहीं, जिससे मेरा आंखें बड़ा बड़ा दिखने लगेगा. तो मस्कारा भी मेरा ओरिफ्लेम से है, दिस वन. आई लैशेस कर्ल कर लेती हूँ उससे पहले. देखिए कर्ल हो गया है. सो अभी मैं क्या बोलते हैं, मस्कारा अप्लाई करती हूँ. ये वाटर प्रूफ है. देखिए इसका ब्रश कितना अच्छा है, इजी टू अप्लाई. फ्रेंड्स देखिए ये लैशेस भी लॉन्ग हो गया है अभी. दिस वन इज बिफोर विदाउट मस्कारा एंड दिस वन इज आफ्टर मस्कारा. यू कैन सी द डिफरेंस. ओह माय गॉड, ब्यूटी इज पेन गाइस. अगर आपको सुंदर बनना है बहुत पेन सहन करना पड़ता है. या इट्स फाइनली डन. तो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा. सो दिस इज माय फाइनल मेकअप लुक. Yeah.